गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने वाटर वाटर डिमांड के बारे में, फिर उसके बाद जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटल डिमांड्स होते हैं, या फिर उसके बाद वाटर सप्लाई स्कीम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे बेस्ड सबसे पहला मेथड क्या था? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है वो एजम्पशन बेसिस पे होता है, और जो हमारी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है वो ओल्ड सिटीज़ के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो जो हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है वो एजम्पशन बेस्ड होता है, मीन्स कि DP अपॉन DT इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट सी। जो हमारी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने के लिए फार्मूला होता है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के लिए, वो क्या होता है कि PN इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, मीन्स कि PN इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। ये हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने का फार्मूला होता है, PN इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। इस मेथड से हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर सकते हैं। इसमें PN इक्वल्स टू क्या था, फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट, मीन्स कि सपोज दैट 2000 की पॉपुलेशन दी हुई है और जो हमारी 2010 की पॉपुलेशन पूछे, तो जो PN की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी होगी, 2010, फ्यूचर की जो हमारी एन डिकेट्स के बाद हमारी जो पॉपुलेशन फोरकास्ट की जाएगी वही हमारी वैल्यू क्या होगी, PN की वैल्यू होगी। डिकेट्स यहाँ पे मतलब एन क्या मतलब डिकेट्स से, यानी कि एक डिकेड में जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। एक डिकेड में कितने ईयर होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। पी नॉट इज़ टू क्या होता है, पॉपुलेशन इन द लास्ट सेंसस नोन पॉपुलेशन, मीन्स कि जो 2000 की पॉपुलेशन दी रहेगी लास्ट डिकेड में वही हमारी क्या होगी, पी नॉट की वैल्यू होगी, जो 2000 की पॉपुलेशन होगी। और एन इज़ टू क्या होगा, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन लास्ट एंड फ्यूचर डिकेड्स, मीन्स कि जो लास्ट की डिकेड है और उसके बाद जिस डिकेड की पॉपुलेशन, सपोज दैट 2010 की पॉपुलेशन इसमें पूछे, तो हमारा एन की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक, यानी कि एन इक्वल्स टू वन, यानी कि वन क्या हो जाएगा, 1 डिकेड्स, यानी कि 10 ईयर्स, एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। और एक्स जो होता है एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नोन सेंसस डिकेड्स, मीन्स कि जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हर डिकेड के बाद उसका जो एवरेज होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से रिलेटेड फार्मूला है। तो नेक्स्ट हम चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1960 टू 2000 आर गिवेन बिलो, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेड्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेट्स बाई यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, मीन्स कि क्वेश्चन में 5 डिकेट्स की पॉपुलेशन गिवेन है, 1960 टू 2000 तक की पॉपुलेशन क्या है क्वेश्चन में गिवेन है, और इसके बाद आफ्टर 1, 2, 3 डिकेट्स की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी, मीन्स कि 2000 तक की पॉपुलेशन गिवेन है तो हमें 2010 एक डिकेट की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 2010 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 20 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है और 2030 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, मीन्स कि इसके बाद 1 डिकेट्स 2010, 2 डिकेट्स 2020 और 3 डिकेट्स 2030। तो यानी कि इन 3 डिकेट्स के हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 कॉलम डिजाइन करेंगे। तो पहला कॉलम जो होगा वो हमारा क्या होगा, ईयर का होगा, दूसरा कॉलम जो होगा वो पॉपुलेशन का होगा। तो ये दोनों कॉलम क्वेश्चन में गिवन जो टेबल होगा सेम वही वैल्यू हमें पुट करनी रहेगी। नेक्स्ट तीसरा कॉलम जो हमारा होगा वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन का होगा,
और चौथा जो कॉलम होगा वो हमारा एवरेज एक्स बार की वैल्यू होगी, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन। 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी गिवन है? 25,000 गिवन है। 1970 में 28,000 पॉपुलेशन गिवन है। 1980 में 34,000 पॉपुलेशन है, और 1919 में 42,000 पॉपुलेशन गिवन है, और 2000 में पॉपुलेशन 47,000 पॉपुलेशन गिवन है। तो जब इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1960 की पॉपुलेशन और 1970 की पॉपुलेशन, मीन्स कि 1970 और 60 में हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले 25,000 था, फिर 28,000 हुआ, तो जब हम इसका इंक्रीज निकालेंगे तो कितना हमारी पॉपुलेशन हुआ, जो 1970 की पॉपुलेशन है 28,000, तो 28,000 में से हम क्या करेंगे, जो 1960 की पॉपुलेशन है 25,000, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा। तो जब हम 28,000 में से 25,000 को घटाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आएगी, 3,000, यानी कि 1960 से 70 के बीच में हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 3,000, 3,000 हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेम वही प्रोसेस हम नेक्स्ट 1970 से 1980 के बीच में भी हम फॉलो करेंगे। तो जब हमारी 1970 में पॉपुलेशन 28,000 थी, 1980 में कितनी हो गई, 34,000, जब इसमें से वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6,000, यानी कि 28,000 पहले 70 में पॉपुलेशन थी तो 6,000 इंक्रीज हुई, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34,000 80 में। नेक्स्ट जब हम 1980 में हमारी 34,000 पॉपुलेशन थी तो 1990 में कितनी हो गई, 42,000, मीन्स कि जब 42,000 में से 34,000 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 8,000 पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट 1990 से 2000, 1990 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 42,000, और 2000 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 47,000। तो जब 47,000 में से 42,000 माइनस करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई, 5,000 इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट जब हम इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज के जितने इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जब इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 3,000, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, जब इन चारों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 इसलिए करेंगे कि जो हमारा एवरेज निकालने का प्रोसेस है कि जितने नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके उतने नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा एक्स बार होगा। तो जब इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एक्स बार की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, 5,500, ये हमारा एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अगले डिकेट्स की पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पॉपुलेशन पूछा था क्वेश्चन में क्या, कि आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेट्स, 2000 की पॉपुलेशन क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी, 2000 की पॉपुलेशन गिवन है, तो 1 डिकेट्स यानी कि 2010 की पॉपुलेशन हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हमारा क्या था, Pn इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। जब पी नॉट हमारा क्या था, लास्ट जो पॉपुलेशन गिवन है, यानी कि 47,000 2000 में पॉपुलेशन गिवन थी, प्लस एन, एन नंबर ऑफ डिकेट्स, यानी कि 2000 की पॉपुलेशन दिया हुआ 2010 पूछ रहा है, तो डिकेट्स कितने हुए, 1 डिकेट्स, एन की वैल्यू 1, इंटू एक्स बार जो हमारी वैल्यू आई थी 5,500। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 52,500। ये हमारी पॉपुलेशन कब की होगी, 2010 की पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट हम आफ्टर टू डिकेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि 2020 की पॉपुलेशन, तो हमारा जो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो एन की जगह पर क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब इसको हम एन की वैल्यू 2 रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन होगा 58,000। फिर उसके बाद 2030 यानी कि आफ्टर 3 डिकेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो 2030 की हमारी पॉपुलेशन जो होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एन की वैल्यू होगी उसके जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो जब 3 पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन जो आएगी 63,500 पॉपुलेशन होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेट्स के बाद अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी से रिलेटेड अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पे। प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1981 1991
2001 एंड 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसस फिगर ऑफ ए टाउन बाय डिफरेंट एरिया कैलकुलेट बाय अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। हमें पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है 1971 और क्वेश्चन में बोला हुआ है 1981 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, 1991 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, 2001 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए और 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो सेम प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम चार कॉलम बनाएंगे इसमें। पहला हमारा कॉलम क्या होगा, ईयर का होगा। दूसरा कॉलम जो होगा पॉपुलेशन का होगा। तो जो हमारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो वैल्यू सारी हम इसमें पुट कर लेंगे। तो जब वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर डिकेड के बाद, हर एक डिकेड के बाद उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, 1901 की पॉपुलेशन गिवन है, 1911 में गिवन है। तो 1911 में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारे 1911 की पॉपुलेशन है उसमें से जो 1901 की पॉपुलेशन है उसको जब माइनस करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है ये पता चल जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, 5000। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1911 से 1921। तो पहले 1911 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 65000, और 1911 में कितनी हो गई, 63000। अब यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम इसमें से 63000 में से 65000 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 2000, यानी कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हुई। तो जो साइन हमारा आएगा उस साइन के साथ हम उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि माइनस 2000। जब नेक्स्ट हम पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, 900। फिर नेक्स्ट उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे 9000, फिर उसके बाद 7000, फिर 10000, फिर 8000, फिर 23000। तो ये हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी। जब इनका हम एवरेज निकालेंगे, मींस कि जितनी वैल्यू है सबको ऐड करके और जितने नंबर्स हैं उससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज एक्स बार जो आएगा 8571 एक्स बार की, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब जब हम 1971 की पॉपुलेशन दिया हुआ कैलकुलेट करने के लिए बोला, कब, 1981 की। तो हम फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है PN इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। तो जब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके 1981 यानी कि P 1981 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो पी नॉट की जगह पर हमारी वैल्यू क्या होगी, लास्ट में हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, 12000 प्लस एन की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ डिकेट्स हैं, 71 दिया हुआ है, 81 पूछ रहा है, यानी कि एन की वैल्यू 1 होगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक्स बार, एक्स बार हमारा कितना था, इंटू 8571। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1981 की पॉपुलेशन 128571, ये हमारी 1981 की पॉपुलेशन होगी। फिर उसी तरीके से हम 1991 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 137142। फिर 2001 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 145713। फिर 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 154284। तो इस तरीके से हम 1981, 1991, 2001 और 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की। जो हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है वो न्यू डेवलप्ड सिटी के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड था वो हम ओल्ड सिटी की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे, और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को न्यू सिटी की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है ये भी हमारा किस पे बेस्ड होता है, एजम्पशन बेसिस होता है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, PN इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। ये हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्टिंग करने का फार्मूला होता है, जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। अब इसमें r इक्वल्स टू क्या हमारा है, एज्यूम ग्रोथ रेट परसेंट, मीन्स कि जो हमारा
ग्रोथ रेट है, कितने परसेंट से हमारी पॉपुलेशन जो रही है इंक्रीज हो रही है। अब आर को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन जो अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में पूछा जाता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो क्वेश्चन जो टेबल बेसिस पे होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, एक सीधे 1960 की पॉपुलेशन दी हो और सीधे 2000 की पॉपुलेशन दे दी हो, मीन्स कि 1970 की पॉपुलेशन क्वेश्चन में नहीं गिवेन हो, 1980 की भी नहीं गिवेन हो, 1990 भी नहीं गिवेन हो। तो उसके लिए हम आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों पे हम डिस्कशन करते हैं। जब टेबल्स न दिया हो तो उस कंडीशन में हम आर की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आर इक्वल्स टू होता है टी रूट में P2 अपॉन P1 माइनस वन। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब टेबल ना दिया हो, सीधे एक ईयर की पॉपुलेशन दी हो और लास्ट में ईयर की पॉपुलेशन दी हो, बीच के 2 ईयर या 3 ईयर की पॉपुलेशन गिवन ना हो, तो उस कंडीशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं आर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, आर इज़ टू ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। आर की वैल्यू को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और जो ज्योमेट्रिकल एवरेज होता है इसमें उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इज़ टू टी रूट में R1 इंटू R2 इंटू R3 डैश डैश, जहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आर की होगी वहाँ तक हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से रिलेटेड फार्मूले थे। अब चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेट्स फ्रॉम 1960 टू 2000 आर गिवेन बिलो, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेट्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेट्स बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। सेम क्वेश्चन वही जो हम पीछे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट किए थे उसी क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में 1960 की पॉपुलेशन गिवन है, 1970 की पॉपुलेशन गिवन है, 1980 की पॉपुलेशन गिवन है, 1990 की पॉपुलेशन गिवन है और 2000 की पॉपुलेशन गिवन है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम सेम क्या करेंगे, इसमें भी 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा ईयर का होगा, दूसरा कॉलम जो होगा वो पॉपुलेशन का होगा, तीसरा कॉलम जो होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन का होगा, चौथा कॉलम जो होगा परसेंटेज इंक्रीज। 1960 में हमारी पॉपुलेशन 25,000 थी, 1970 में 28, 1980 में 34,000, 1990 में 42,000, 2000 में 47,000। ये हमारी पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे जैसे हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में कैलकुलेट करते थे, मतलब 28,000 में जब हम 25,000 माइनस करेंगे हमारा कितना आएगा 3,000, 34,000 में 28,000 माइनस करेंगे 6,000 आएगा, 42,000 माइनस 34,000 करेंगे 8,000 आएगा, 47,000 माइनस 42,000 करेंगे तो 5,000 आएगा। ये हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगा। तो जब हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो उसमें हमने फार्मूला क्या बताया, आर इक्वल्स टू बताया था इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। तो इससे हम हर एक डिकेड्स के लिए आर की वैल्यू ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे। तो आर इक्वल्स टू इसमें हम अब चूंकि हम R1 इसलिए इसमें इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है कई सारे डिकेड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हमने कैलकुलेट किया है, जब 2 डिकेट की पॉपुलेशन कैलकुलेट की है तो उसमें इंक्रीज आया है 3,000। तो इसलिए जब हम एक इस डिकेट्स की परसेंटेज ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना था 3,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी 25,000, 25,000 इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना है 12%, यानी कि 12% हमारी पॉपुलेशन क्या हुई इंक्रीज हुई। तो इसी तरीके से जब नेक्स्ट हम 2 डिकेट्स की पॉपुलेशन के लिए परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट R2 इक्वल्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन 6,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी 28,000, 28,000 इंटू 100।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आएगी, 21.44%। नेक्स्ट उसी तरीके से जब हम अगले दो डिकेट्स की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे तो R3 इज इक्वल टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन 8,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 34,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारे जो ग्रोथ रेट आएगा R3 की वैल्यू 23.53% आएगा। तो उसी तरीके से जब नेक्स्ट दो डिकेट्स की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें क्या होगा, R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 5,000 इंक्रीज इन R4 इक्वल टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन 5,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 42,000 इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो R4 की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 11.90। ये हमारा ग्रोथ रेट हमें पता चल जाएगा R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक एवरेज R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, R इक्वल्स टू T अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4, क्योंकि इसमें R4 तक की वैल्यू है तो हम R4 तक की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। और T हमारा जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, जितने ये R की वैल्यू होगी उतने हम T की वैल्यू लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू 4 क्योंकि R की वैल्यू 4 है। या हम क्या करेंगे, जैसे कितने डिकेट्स की पॉपुलेशन पूछ रही है, सपोज दैट हम R की वैल्यू सॉरी T की वैल्यू हम यहाँ से ना फाइंड आउट करके यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। मीन्स कि 2000 की पॉपुलेशन हमारी दी हुई है और स्टार्टिंग की हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 1960। तो हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आएगी। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और एक डिकेट में हमें पता है 10 ईयर्स, 10 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ये टी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 4 टाइम इन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिकेट्स की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कैसे करके। फार्मूला हमने क्या बताया था, PN इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R/100 to the power n। अब PN इक्वल्स टू 2010 क्योंकि हम n क्या था, जो पॉपुलेशन हमें फोरकास्ट करनी है, यानी कि n इक्वल्स टू 2010, 2000 की पॉपुलेशन गिवन है, इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू P0 47,000 लास्ट की डिकेट की पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R। अब R की वैल्यू जब हम फाइंड आउट किए हैं तो कितने आए, 16.38%, 16.38 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि 2010 है पॉपुलेशन गिवन है और 2010 पूछा हुआ है, तो यानी कि इनके बीच में कितने डिकेट्स हुए हैं, एक डिकेट्स हुए, मीन्स एक डिकेट इज कॉस्ट टू 10 ईयर्स, तो इसलिए हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारी पॉपुलेशन कितनी आएगी, 54,700। उसी तरीके से जब हम 2020 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि 2000 की पॉपुलेशन गिवन है और 2020 की पूछ रहा है, तो इनके बीच डिफरेंस कितने हुए, 20, और एक साल में एक डिकेड में 10 ईयर्स। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि n की वैल्यू हमारी 2। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 63,658। नेक्स्ट हम बात करें तीसरे डिकेट की पॉपुलेशन, यानी कि 2000 की पॉपुलेशन गिवन है और 2030 की कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3। तो जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 74,085। तो इस तरीके से हम 2010, 2020 और 2030 की पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड था। अब हम इससे रिलेटेड विदाउट टेबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2000 एंड 2006 फॉर ए सिटी हुज पॉपुलेशन इन द ईयर 1930 वॉज 80,000 एंड इन द ईयर 1970 वॉज 1,10,000। यूज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, मीन्स कि हमें 2000
और 2006 की पॉपुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और पॉपुलेशन कौन कौन सी दी हुई है, 1930 की पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है 80,000 और 1970 की पॉपुलेशन गिवन है 1,10,000। और कैलकुलेट करना है 2000 की पॉपुलेशन और 2006 की पॉपुलेशन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी एन इजक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1+R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर एन, पावर पे एन। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू गिवन है। तो पी नॉट यानी कि लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन गिवन है, पी नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1,10,000। पी नॉट की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1970 की पॉपुलेशन गिवन है और 2000 की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो इनके बीच में कितने डिकेट का डिफरेंस हो रहा है, 3 decades, मीन्स कि 30 साल, और एक डिकेट में 10 साल। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 3 आएगी, तो यानी कि 1970 से और 2000 के बीच में 3 decades हैं, यानी कि एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कौन सी वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो इसमें आर की वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले हम आर की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में आर को कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूले बताए थे, एक जब क्वेश्चन में टेबल गिवन हो तब आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक जब टेबल गिवन ना हो तब आर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टेबल गिवन नहीं है, तो इसके लिए आर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, टी रूट में पी टू अपॉन पी वन माइनस वन। पी टू हमारी क्या होगी, पी टू जो होगा, जो 1970 की पॉपुलेशन गिवन है वो हमारी पी टू की वैल्यू होगी, और जो 1930 की पॉपुलेशन दिया हुआ है वो हमारी पी वन की वैल्यू हो जाएगी। और टी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पिछले क्वेश्चन में 2 तरीके बताए थे, कि जितने आर की वैल्यू हो उतने हम टी लिख सकते हैं, या जितने ईयर्स तक के पॉपुलेशन गिवन है, यानी कि 1930 की पॉपुलेशन गिवन है और 1970 तक का पॉपुलेशन गिवन है, तो इनके बीच में कितने ईयर का डिफरेंस हो रहा है, 1940, 1950, 1960 और 1970, यानी कि 4 decades, यानी कि टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4। जब टी इज इक्वल्स टू 4 रखकर हम कैलकुलेट करेंगे तो टी इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा अंडर रूट, पी टू इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाई पी वन इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस वन। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8.28%। ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टू थाउजेंड की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था, पी एन इजक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1+R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर एन। पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, जिस ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो, यानी कि कैलकुलेट क्या करना है हमें, 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, इजक्वल्स टू पी नॉट जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन गिवेन होती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, पी नॉट की वैल्यू होती है। तो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 1,10,000, ठीक, इंटू 1+R की वैल्यू हम जो कैलकुलेट किए अभी 8.28 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर। अब यहाँ पे n की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके बताया, n कितना होगा हमारा, 1970 की पॉपुलेशन गिवन है और 2000 की पूछ रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 decades, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा 2000 की पॉपुलेशन आएगा वो कितना होगा, जो 2000 की हमारी पॉपुलेशन होगी वो होगी 1,39,649। ये हमारी सन 2000 की पॉपुलेशन हो जाएगी ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। अब नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है,
2006 की पॉपुलेशन। तो 2006 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए एन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पी एन इक्वल टू पी नॉट इंटू वन प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर एन। पी एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2006 इक्वल्स टू पी नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट हमारी पॉपुलेशन डिकेट की दी हुई 1970 की पॉपुलेशन गिवन है, कितना, 1,10,000। ये हमारी पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी इंटू वन प्लस आर की वैल्यू हमारा कैलकुलेट है जो वैल्यू वही रहेगा 8.23 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर। अब एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो एन की वैल्यू 1970 की पॉपुलेशन गिवन है और कुछ कितने ईयर की पॉपुलेशन रहा है, 2006 की पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो इन दोनों में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 36। अब चूंकि हमें पता है कि एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, यानी कि इसको हम, ये 36 ईयर है, जब इसको डिकेड में कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि एक डिकेड में 10 ईयर्स, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6। ये हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एन की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6। एन की वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,46,476। ये हमारा 2006 की पॉपुलेशन होगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस क्या है, कि जो हमारा क्वेश्चन में लास्ट ईयर की पॉपुलेशन गिवेन हो और जिस ईयर की पॉपुलेशन पूछ रहा है, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेंगे कितने ईयर का डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है कि एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी वही हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में जैसे लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन 1970 गिवेन था क्वेश्चन में और 2006 की पॉपुलेशन पूछ रहा था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा, 36 ईयर। अब हमको इसको डिकेड में कन्वर्ट करना है, तो एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी 3.6, यही हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। तो यही 3.6 हमने क्या किया, एन की जगह पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करके सन 2006 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। बस डिफरेंस ये एक चीज, डिफरेंस इसमें आर की के लिए कौन से हम फार्मूले को सेलेक्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन में टेबल के अकॉर्डिंग हर एक डिकेड्स की पॉपुलेशन गिवेन हो तो उसके लिए आर इक्वल्स टू हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू टू अंडर टी अंडर रूट आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री। ये फार्मूला यूज करेंगे जब हर एक डिकेड की पॉपुलेशन गिवेन हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जब क्वेश्चन में केवल स्टार्टिंग के डिकेड्स की पॉपुलेशन दी हो और लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन गिवेन हो, बीच के डिकेड्स की पॉपुलेशन गिवेन ना हो, तो उसके लिए आर इक्वल्स टू टी अंडर रूट पी टू अपॉन पी वन माइनस वन, इस फार्मूले से आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड्स पे न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो और भी मेथड्स हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लास चलेगा वो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पे होगा। थैंक यू।